और ये बोलती है कि मैं घर पे ही नहीं रहता। घर पे रहके करता क्या है? टाइम 10 बज गए हैं और भावेश आ चुका है इधर के, भाई चल मेरे को जल्दी ऑफिस जाना है और अब तक रेडी नहीं हुआ हूं। अभी फटाफट मैं रेडी होकर निकल रहा हूँ। वैसे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है फ्राइडे और सिचुएशन देख रहे हो, मैं फटाफट ऑफिस जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। देखा 10:05 में तुम्हारा भाई रेडी हो गया, सिर्फ 10 मिनट में। अभी ये भावेश खुद का देख रहा है। बस मम्मी जो हूँ कंटेंट लेवा गयो तो भावेश ना करे। भावेश कंटेंट लेने आया था कि नहीं? पर मैंने ऐसे फोटोज नहीं रखे थे। जो बता, आउच करता है मम्मी। मम्मी कंटेंट लेवा गयो तो हूँ त्या। मम्मी बोल रही है मैं भावेश के घर पे जाके ऐसे टाइम पास करूँ। अरे वो भाई कंटेंट लेने जाता हूँ मैं, तुमको पता है? हमको नहीं लगता कंटेंट लेने आते हो तुम। अरे दोस्त है, मतलब दोस्त इतनी हेल्प तो कर ही सकता है। अरे तो खा लेता ना भाई इधर, तेरे को इसीलिए बोला था मैं, कोई वर्क करता कि खा ले। मैंने सोचा तू भी करेगा तो साथ चलेगा। अरे पर तू ले तो, मैं आ जाता ना, ज्वाइन तो कर लेता। एक एडवांटेज तो है कि जब आपका दोस्त ही आपके ऑफिस में हो ना, तो थोड़ा बहुत कंटेंट भी मिल जाता है और थोड़ा बहुत काम भी साथ में हो ही जाता है और मज़ा भी आता है काम करने का। वैसे अब तक तो आ ही रहा था, अब थोड़ा और आ जाएगा। हाँ भाई, आप ही की बात चल रही है? हाँ चलो, काम खत्म हो गया। भावेश गया अपने फ्रेंड के साथ मिलने, मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि आज मेरे को पड़ी थी डांट। क्यों? क्योंकि मैं घर पे प्याओ नहीं रखता, ऐसा है मम्मी का कहना। सुबह सुबह मेरे को डांट दिया था कि भाई तुम घर पे रहते नहीं हो, इसलिए बाद में जाऊँगा सीधा घर और घर पे बैठूँगा। और आज गिरीश भी अपने घर चला गया, गिरीश और मंजीत दोनों अपने घर चले गए, तो मैं और भावेश ही है सिर्फ। तो रात को खाना खाने के बाद भावेश से मिलेंगे। बस 7:30 था ना, आई गए जो ही लो। हाय कोका का बब्बा ख्वाहिश। सॉरी यार, तेरा नाम भूल गया यार। जो आई गए 7 बजे बस। हाँ थैंक यू। ये इसने ना मेरे को डांटा था सुबह कि मैं घर पे नहीं रहता। आपको भी पता है मैं कभी कभी घर पे होता हूँ, आप लोग देखते हो। और ये बोलती है कि मैं घर पे ही नहीं रहता। घर पे रहके करता क्या है? अरे वो मैं सोफा पे बैठू या अंदर बैठू क्या? उसके रूम में जाएगा, वहीं से बाहर नहीं आने का, माँ बाप को टाइम नहीं देने का। अरे क्या ऐसे बच्चे होते हैं आजकल के? अरे यार तुम लोग सीरियल, अब वो देखो वो सीरियल देख ली, अब मुझे सीरियल नहीं देखनी तो मैं कहाँ जाके बैठूंगा? अंदर जाके बैठूंगा, बाहर बैठूंगा तो डिस्टर्ब कर रहा है। है कोई जवाब तुम्हारा? हाँ है। क्या? सब जवाब है, तू बोल। क्यों हमारे साथ कभी कभी टीवी भी देख लिया करो, सीरियल भी देख लिया करो, अच्छी वाली देखते हैं, ऐसे नहीं है? नहीं मजा आती है उसमें देखने। मजा आए ना आए, माँ बाप के साथ थोड़ा बहुत टाइम एक्सपेक्ट कर लो, बीवी आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। वो तो बात की बात है, बाद में तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए आपके पास, फिर तरसोगे ये इसके लिए। ये इतना ओवर थिंकिंग करती है, कोई ओवर थिंकिंग है ही नहीं। तो और ये क्या है? सच में मैं रियलिटी बता रही हूँ तुझे, सुन ले। आपको ऐसा लगता है? हाँ, हाँ, सब लड़के शादी के बाद चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर तेरा आएगा। अरे रेंदे भाई ऐसा ही हूँ। हाँ, और ऐसा ही रहूंगा। देखते 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 भाई, तेरे को भी देख लेंगे। सुन दिया बराबर का। कहाँ बिस्किट खा रहे हैं? देखो मैडम बिस्किट हमारा तो खाते हो ना, देखो बेहद बराबर नहीं, भूख लग गई है। चल ब्रूनो बिस्किट खा लिया। मैं इधर छोले राइस खा रहा हूँ, ये खाना बना रही है, ये अपना काम करती है कभी कभी। चलो मम्मी के साथ बस खाना वाना खाया, मजा आ गई। बस मतलब चलो खाना खाओ ऐसा। लो लो चलो, मैं पिरोज के लाया हूँ आज, खाओ चलो। थैंक यू सो मच आपा। चलो ब्रूनो कम या कम या। अरे रे रे रे, तो दीदी चले जैसे है लिंगली। ब्रूनो आवाज कर। तो यात्री ब्रूनो को बाहर लेके गई है वॉक कराने, आजकल पता नहीं वो लेके जा रही है। तो मैंने ठीक है अपना तो मजा ही है। तो अभी मैं तो नीचे आ गया हूँ, थोड़ा सा वॉक करूँगा। और जय भाई को भी फ़ोन किया कि भाई आप भी आओ, बैडमिंटन खेलते हैं, काफ़ी समय हो गया है। और भावेश भी अभी नहीं है तो फिर करूँ क्या, तो उससे अच्छा बैडमिंटन ही खेल देता। तो जय भाई को मैंने फ़ोन तो किया है बट अभी वो बाहर है, तो आई एम नॉट श्योर कितने बजे आएंगे, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वॉकिंग ही कर लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं थोड़ा। इट वॉज अ नाइस गेम, मजा आई। कैसा लगा आपको मेरे साथ खेलते?
टू बोरिंग बिकॉज यू बोर। आपको पता ना आप किस तरीके से आ रहे हो, कैसी कैसी स्मैश खाई आपको पता है ना। हाँ बस यही, आपने तब ब्लॉग नहीं किया जब आप स्मैश खा रहे थे। अब आप बोल रहे हो कि जय ने स्मैश खाई, तो खाई ऐसा बोल दो, उसमें शर्मा ने क्या तो। जो ऐसा नहीं है कि एक दो स्मैश मैंने भी नहीं खाई, एक दो मैंने भी खाई है, उसमें क्या है, कभी कभी हो जाता है। रिवर्स, कंप्लीटली रिवर्स, डेवाइडली यू हैड मेनी भगवान थी डरो, भगवान थी डरो, भगवान थी जो तने कहो छोटे भगवान थी डरो, हां वो डरो इसे क्या जो तुम्हारा यहां छोटा में यहां ढूंढ गया भगवान ने जो ઈસ તો કહું છું તે ત્યારે જોઈ ત્યારે બ્લોગ રેકોર્ડ નહીં થતો તને, પણ ત્યારે કોઈ કરવા વાળો નહોતો, પણ હું સચ્ચો માણસ છું, મેં બધા લોકોને મેં અત્યાર સુધી જે બધા બધું સાચું બતાવ્યું છે। એ આ બ્લોગના આગળની વાત છે, આના માટે નથી આ વ્લોગની અંદર તું कोर्ट जाने के लिए, कोर्ट में खेलने के लिए। I'll see you in court. I'll see you in court. Obviously, I'll see you in court. तब अब देखना घमासान युद्ध होगा, एक जवान, एक जवान और एक बूढ़े के। ओके ओके ठीक है, चलो मैं जवान और ये बूढ़ा, ओके डन, ओके बाय, गुड नाइट बाय बाय। चलो भैया अभी चलते हैं घर, काफ़ी खेल लिया ठंडी में, पसीना आ गया था, जैकेट निकाल दिया था, अब जाते हैं ऊपर, थक गया हूँ अभी सोना है, क्योंकि पैर कर रहे दर्द, क्योंकि हुआ क्या था, इन्होंने मेरे को ना 20 से 25 मिनट मेरे को खाली वेट करवाया था और मैं चल रहा था, तो पैर की हो चुकी है वहाँ पर कड़ी, फिर खिला आधा एक घंटा, तो वहाँ वाट लग गई। अभी जाते हैं ऊपर फटाफट, गर्म वर्म पानी पिएंगे, काफ़ी टाइम बाद में गर्म पानी पीता हूँ, मतलब घर पे ऑफिस में तो मेरा चालू ही रहता है गर्म पानी। अच्छा क्या है इंस्ट्रक्टर जी है ना, स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे हैं लोग उसकी वजह से, दैट गर्ल। वाह वाह यात्री मैगी बनाई, लाओ 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 चलो थोड़ा खाइए ना। अरे यार पता था मेरे को, अरे पता था, तो ये चीज और ये हो गई अपनी, थोड़ा सा अच्छी तरीके से खाएं इसको, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कैसा जंगली है, कैसे खा रहे हैं। नाइस मैगी, ये देखो इन्होंने मेरी मैगी खत्म कर दी, बीती सारी मैं तो दो चम्मच खा रहा हूं, दो नहीं अभी पांच हो गई। मुझे पता था ये चीज होगी हमेशा से, पहले पहले ना बोलते हैं कि नहीं खाओगा, मेरे को बोलते मैं एडिटिंग करके सो जा रहा हूँ, मस्त मैगी बनाई तो उसमें इतना भरता हूँ ना, नहीं नहीं मैगी बनाई, दो चम्मच तो खा रहा हूँ, दो गिनो गिनो हो गया, एक और ले लो बस। अरे यार बस चलो मैं गया खाली, पेट भर गया, क्योंकि वो क्या वो रात को गिरीश के घर जाता हूँ तो थोड़ी सी क्या आदत हो गई थी लेट नाइट क्रेविंग्स की, तो वो यात्री ने आज पूरी कर ली, तो अभी ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। मम्मी से डांट खाई आज हमने थोड़ी सी, उसने थोड़ा सा सुना भी लिया, वैसे तो रोज़ सुनता हूँ थोड़ा थोड़ा, आज कुछ ज़्यादा ही सुना लिया, तो कोई बात नहीं, माँ है तो सुन लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट बाय।